मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बाहर चुरा लो मौसम से कसम 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 से। मैंने तुम्हारी वो फाइल सेंड कर दी, मेरे ऑफिस से ले लो। ओके सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे मिस्टर वालिया, अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं एक्चुअली आप ही के पास आ रहा था, गंगा का पोर्टफोलियो आपको देखने। आज डेली क्लास में होटल में जो स्टूडियो आपके लिए बनाया है वो ठीक है, योग्य है। दैट्स परफेक्ट, थैंक यू। गुड, तो फिर वहीं चलते हैं और गंगा का सामान यहीं रखते हैं। मिस्टर वालिया, एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। I'm so sorry. I think मैं ज़रा excited हो रहा हूँ। I'm so sorry. आप breakfast कीजिए, हम ये बात करेंगे। Oh my God. ये इसको क्या हो गया यार? अब क्या होगा छोटी माँ? Relax गंगा। हम वो bag चेंज लेकर relax। ये gift को क्या हो गया? मिस्टर वालिया, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। अरे किससे डर लग रहा है? कोई नहीं है, मुझसे डर लग रहा है तुम्हें? आपसे नहीं, अंधेरे से। I see. देखिए, आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना आपके साथ। रिलैक्स, आप होल्ड माय हैंड। मैं हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें। अब डर लग रहा है? नहीं, अब डर नहीं लग रहा है। आप मेरे साथ हो ना? आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता, मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। मैं फोन करता हूँ, लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। मेरा फोन, अरे आप जरा मेरा फोन नहीं मिल रहा मुझे। Just check in that also ना please. मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पापा ने वो बैग खोलकर देख लिया और पापा को उसमें सिगरेट्स मिल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स, लिफ्ट पर साथ। के आने के बाद आ रहा था गंगा का आपको देखेगा। ये सिगरेट लाइटर ये गंगा के बैग में क्या कर रहा है? ये लिफ्ट को क्या हो गया? हाँ हाँ भाई, हम लोग अंदर फंसे हैं, प्लीज जरा जल्दी कीजिए। लाइट आ गई। यू ओके नाउ? आई एम फाइन। आप प्लीज कुछ करो। आई एम श्योर कि अब तक तो पापा ने वो बैग खोल लिया होगा। उन्हें तो आदत है मेरी चीजों को संवारने की। मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा, अब आप कुछ करना पड़ेगा। मैं पकड़ी जाऊंगी। गंगा, मेरे पास निकाल दो। हाँ मीरा। जय, कहाँ है आप? वो मैं और गंगा ऑफिस आए थे। अरे मैं लिफ्ट में हूँ, बस नीचे आ ही रहा हूँ। हेलो हेलो जय, बाय बाय। अच्छा और मिल लूँगी। कॉल कट गया, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मम्मा आप क्या होगा? रिलैक्स, पापा नीचे आ रहे हैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। देखकर लग रहा है कि उन्होंने बैग नहीं खोला। अच्छा वो छोटी मामा ऊपर चली गई और वो बैग में से सिगरेट निकाली। वो पापा एक्चुअली प्रोजेक्ट मीटिंग कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं कितनी एक्साइटेड है कि पेंटिंग का पहला लेसन है आज, इसने शायद याद। पापा मेरा बैग ये पकड़ लीजिए, लाइए मुझे दीजिए, आप तकलीफ मत कीजिए। कुछ पता नहीं चला। मेरा कहाँ है? अभी फोन आया था। पापा वो ऊपर आपके केबिन में वेट कर रही है। अरे यार, मैं चाहता था कि आप मिले उनसे। नो प्रॉब्लम, मिलना जुलना तो चलता ही रहेगा। आई विल सी यू इन द स्टूडियो, ओके? तो अब बता, कैंसिल हुआ प्रोजेक्ट? कितने कैंसिल हुआ? गंगा के बैग में मुझे सिगरेट और लाइटर मिला। आई होप ये लड़की कोई गलत रास्ते पर नहीं जा रही है। Okay, पापा, मुझे पता है आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आई नो हाउ मच यू केयर फॉर मी। चल मैं ऊपर जाके मां से मिलता हूं। जी कहां रख दिया भाई जाई? क्या ढूंढ रही मीरा? टेबल थोड़ा सा गंदा था तो साफ कर रही थी। मेरा मुझे गंगा के कारण से साफ करना है। और क्या करें? ये परवरिश की है। तुम्हारा चेहरा देखो, बाप रे। सॉरी मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली मेरा भी यही हाल हुआ। लेकिन बाहर मुझे गंगा मिली, मैंने उससे बात की, उसे समझाया, उसका नहीं था, उसने किसी कॉलेज के लड़के से छीना था एंटी स्मोकिंग कैंपेन की वजह। अरे व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? तुम्हें क्या लगता है मैं कभी जिंदगी में तुम्हारी परवरिश पर शक करूंगा? नॉट पॉसिबल। मैंने सुबह नहीं किया ये परफ्यूम जी। ये स्मेल तो आपके परफ्यूम की है। हाँ वो क्या है ना, वो होटल में नहीं तो जाए हैं तो मेरे साथ होगा। ये केबिन देखो, सारा सामान दिख रहा है। क्या हो गया मुझे? मेरा तो सच क्यों नहीं बताया कि ये प्रोनिता की परफ्यूम? मैंने मेरा स्कूल छोड़ दिया था। आज तुमने क्यों मैंने प्रोनिता के बारे में उसे नहीं बताया? मैं बताऊं? देखो वेरी गुड, अब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। आपने मेरी सारी पेंटिंग्स देखी? नहीं। एक सेकेंड। ये देखिए। और ये देखिए, ये जब मैं इस टाइम तब बनाई थी। अरे नाइस फैमिली पोर्ट्रेट। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारे पापा का स्केच करूँगी। प्रोनिता जी, जब मैं 6 साल की थी तब मैं नहीं जानती थी कि मेरे पापा कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। बस जब भी मम्मा से पूछती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उन आंसू की वजह तो मैं नहीं जानती थी, बस इतना समझ गई थी कि और मम्मा से कुछ नहीं पूछना चाहिए। फिर हम मुंबई आए और तब मैं अपने पापा से मिली और मैंने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, कैसे हैं। मम्मा और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बस बचपन में दुबला दुबला सा याद है कि वो अक्सर एक दूसरे से झगड़ा भी बहुत करते थे। मैं तभी कुछ नहीं समझ पाई। हाँ, फिर मुझे दादी ने बताया, जब 2 लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तब उनका प्यार ही उनके झगड़े की वजह बन सकता है। एक हादसे में मैंने अपनी मम्मा को खो दिया। उसके बाद पापा ने मुझे दोनों का प्यार दिया। छोटी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया। But I'm sure, जितना प्यार पापा मम्मा से करते थे उससे ज़्यादा आज मुझसे करते हैं। और मेरे प्यार आपको कैसे बताऊँगी कि मैंने पेंटिंग क्लासेस में हो। जल्दी बोल, क्या काम है? विवेक ने पार्टी थ्रो की है क्लब में। यू आर कमिंग ना? हाँ, मैं आ रही हूँ। चल वहीं पे मिलती हूँ, बाय। प्रोनिता जी, हाँ, छोटी मम्मा का फोन था। एक्चुअली आज थर्सडे है ना, और हर थर्सडे साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, तो क्या मैं बिल्कुल जा सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आज पेंटिंग क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो आज तुम्हारी छुट्टी। ये लेके, थैंक यू प्रोनिता जी, वेरी नाइस वर्क। बाय। जब भी मम्मा से पूछती थी तो मम्मा पापा इनके से बहुत बात करते थे। बचपन में दुनिया सा याद है कि वो अक्सर एक दूसरे से झगड़ा भी बहुत करते थे। इस सवालिया के अंदर जो भी जज्बा है, जो भी था, सब उनकी वजह से। सवालिया और दीदी का रिश्ता इस घर के नए जीवन की से बहुत प्यार करते हैं, तब उनका प्यार उनकी जगह की वजह बन सकता है। बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रही है और कुछ बातें ऐसी पता चली हैं जो उसकी सोच को एक अलग ही मोड़ पे ले गई और उसका यकीन हर पल बढ़ता जा रहा है। जय वालिया ने पानी का फोन किया है। क्यों पानी को सब कुछ याद है? क्यों उसकी याददाश्त टुकड़ों में वापस आई? गानों, उसके वालिया सबसे पर उसकी यादों में पड़ी धूल छट गई। उसे मीरा के सामने लाना, शायद ये झटका उसकी याददाश्त वापस लिया। हो सकता ये झटका उसे खेल उस वक्त पानी के साथ किसी अपने का होना हो सकता है। और जब पता चलेगा मीरा असली कातिल है, उस वक्त मेरा नाम हो सकता है। जी कौन है? गंगा यहाँ पे है? नहीं, गंगा तो बहुत पहले निकल गई है। ओके, थैंक्स। एक्चुअली आज थर्सडे है ना, और हर थर्सडे साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, तो मैं बिल्कुल जाऊँ।